बायोलॉजी ना बड़े मजेदार चीज है भाई साहब। देखो सब्जेक्ट कोई भी हो मजेदार अपने आप में होता है, बस डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उस सब्जेक्ट को ना कैसे देखते हो। और तुमको लगता है यार जो है मैथ बहुत टफ है यार, मैथ मेरे से सवाल नहीं लग पाऊंगा, मैं मैथ नहीं लगा पाऊंगा यार, है ना। किसी को लगता है यार केमिस्ट्री में बहुत रिएक्शन है यार, इतनी रिएक्शन याद ही नहीं होती है यार, क्या किया जाए, इसमें बहुत फार्मूले, बड़ी टेंशन है, कब कहाँ क्या घूम जाए पता ही नहीं चलता है। जीव विज्ञान ले लो, बायोलॉजी ले लो, बाली बहुत रटना पड़ता है भाई साहब। चित्र ऐसे ऐसे होते हैं, बनते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आते। सब्जेक्ट कोई भी हो आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। जैसे हम प्यार में पड़ जाते हैं ना, प्यार में पागल हो जाते हैं, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो भाई साहब फिर कुछ नहीं दिखता है, छोटा लंबा काला गोरा कुछ दिखता है, कुछ दिखता ना। तो आपको उसी से क्या करना पड़ेगा, जिस चीज से आपको प्यार होगा ना, मोहब्बत होगी, वो चीज आपको अपने आप अच्छी लगने लगेगी। कुछ लोग की मैथ भाई साहब बड़ी तेज होती है, सवाल देखा नहीं गुणा भाग तुरंत ये लो चटपट आंसर आ गया। कुछ लोगों का जीव विज्ञान बड़ा अच्छा होता है, भाई साहब ये क्वेश्चन आया अभी लो तुरंत डायग्राम बनाया, दो मिनट में आंसर लिख दिया। तो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से याद करना है तो उसके लिए आपको उससे क्या करना पड़ेगा, आपको उससे प्यार लाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्यार का मतलब क्या है, प्यार का मतलब है इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट आना, उसमें जागरूकता लाना। तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा ना, और इंटरेस्ट आता नहीं है, इंटरेस्ट लाना पड़ता है। जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे, आपके सामने वाले का आप में इंटरेस्ट है तो आप क्या करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो ना। जब आप किसी को समझते हो तभी तो फिर आगे चीजें बढ़ती है ना। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा और फिर आपको उससे क्या होगा, मजा आने लगेगा, फिर नंबर भी अच्छे आने लगेंगे।